स्टूडेंट वेलकम टू संजना स्टडी क्लासेस। तो जैसा कि आपने पढ़ लिया है, आज हम पढ़ने वाले हैं हीन साइंटोमीटर में जो आरबीसीज, जो हम न्यूबाक चैम्बर में आरबीसीज काउंट करते हैं उसका फॉर्मूला और किस तरीके से वो होता है। तो ठीक है, हीम साइटोमीटर आपको पता है, हीम मतलब साफ ही समझ में आ रहा है, हीम मतलब ब्लड, साइट मतलब साइटो मतलब सेल, मीटर मतलब मेजर या फिर काउंट करने वाला। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम न्यूबाक चैम्बर का यूज़ करते हैं क्या क्या काउंट करने के लिए, टीएलसी काउंट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसीज का क्या होता है। तो आर बी सीज हम पहले मैं आपको बता देती हूँ हमारे उसमें कितने बॉक्सेस होते हैं। ये इस तरीके से हमारे 1 2 3, ठीक है, ये ऐसे बॉक्सेस होते हैं। इसमें से जो हमारी वो आर बी सीज होती है उनको हम काउंट करते हैं कौन से वाले बॉक्स में, ये सेंटर वाले बॉक्स में हम आर बी सीज को काउंट करते हैं। बाकी जो ये होते हैं हमारे, ये इसमें हम किसको काउंट करते हैं, डब्ल्यू बी सीज को। तो अभी हम आर बी सीज की बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हमारा होता है टोटल आर बी सी पर क्यूबिक एमएम, ठीक है, नंबर ऑफ काउंट की कितनी हमने काउंट की है इनटू डाइल्यूशन कितना हमने यूज़ किया है, अपॉन उसका एरिया काउंट इनटू जो न्यूबार्क चैम्बर है उसकी डेप्थ ऑफ फ्लूड। ठीक है, ये समझ आया। ये हमारा फॉर्मूला होता है जो हम नॉर्मली इसमें लगाते हैं। एक और दूसरा फॉर्मूला होता है जो कि हम पर लीटर में यूज़ करते हैं जिसका, ठीक है। तो अभी हम इससे देखते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला, इसको तो आप याद कर ही लेना, फार्मूला है ये। फिर अब सबसे पहले नंबर ऑफ जो सेल्स हैं उसको हम मान लेते हैं एन, ठीक है। फिर डाइल्यूशन हम इसमें कितना यूज़ करते हैं, 1:200 का, तो हम 200 लिख देते हैं इसमें। और फिर हमारा क्या है, एरिया काउंट। तो एरिया कितना होता है, एरिया निकालने के लिए हमने 80/400 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा आपका 1/5 square, ठीक है, ये आएगा आंसर। अब ये कहाँ से आया, तो ये बॉक्सेस हैं जो 80 बॉक्स होते हैं टोटल हमारे आरबीसीज में, और 400 बॉक्स टोटल होते हैं और आरबीसीज वाले 80 होते हैं, ठीक है। अब डेप्थ कितनी होती है, तो डेप्थ हमारी न्यूबार्क चैम्बर में लिखी होती है 1/10 होती है एमएम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस अब इसको इसमें रखना है। तो कैसे, देखो एन डाइल्यूशन 200 का, ठीक है। फिर हमारा एरिया काउंट, एरिया कितना आया, 1/5 × 1/10। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये दो चीज़ शिफ्ट, तो हमारा डायरेक्ट कितना आ जाएगा, इसको हम कर देंगे 50। फिर इसके बाद देखो हमारा हो जाएगा n इंटू 200 × 50, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा n इंटू 10,000, ठीक है। तो ये हमारा होगा 10,000, यहाँ लिख देती हूँ 10,000, ये हमारा है फार्मूला। फिर हमारे टोटल हम चेक करेंगे और इंटू कर देंगे। तो कैसी रही क्लास, लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू।